वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करता हूँ। गिटार का टोन कैसे बढ़िया बनाया जाए, कैसे वो सुनने में मधुर लगे, स्वीट लगे, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ गिटार कौर विद रोहित, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे जरूर आप मिले और मुझे फॉलो करें। चलो स्टार्ट करता हूँ। गिटार के टोन के बारे में आपको बहुत ईजी वे में समझाना और बताना, बात को ध्यान से समझो क्योंकि दोबारा रिपीट करने मत बोलना प्लीज़। बड़ा प्रॉब्लम मैं रहता हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ काम है, मैं भी जिम्मेवारी पे दबाव हुआ हूँ। स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास प्रोसेसर कोई भी हो, याद रखना, बड़े से बड़ा, महंगा से महंगा कोई भी प्रोसेसर हो, नियम सबका रूल एक ही रहता है। वो प्रोसेसर बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा होता है। वो क्या होते हैं, जैसे मान लो डिले, जितना बड़ा प्रोसेसर लेके जाओगे उसमें डिले की वेराइटी और ज्यादा हो जाती है, कुछ नहीं रहता और कुछ भी नहीं रहता। वो आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, मीडिया से कनेक्ट कर सकते हो, ये बस ये चीज़ें रहती है और कुछ नहीं रहती। बट आप एक बात जान लो, अगर आपको टोन बनाने नहीं आता है तो कोई भी प्रोसेसर आप ले लो, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल सकेगा, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। चाहे महंगा से महंगा आपके पास गिटार, यू हैव सो कॉस्टली कॉस्टली गिटार, बट नो एनी गेट बेनिफिट, कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, जैसे कि आज जो मैं आपको बताते हैं, देखो ये प्रोसेसर बड़ा अच्छा है, ये जूम का G1X जो है, E4, ये काफ़ी बढ़िया है। और मैं इस कंपनी को 96 से जान रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ। अभी तक 10-12 प्रोसेसर मैं ऑलरेडी बजा चुका हूँ, बेच चुका हूँ। हालांकि अब मेरे को प्रोसेसर का ज़रूरत उतना नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब उतना लाइव प्रोग्राम करता नहीं। तो उस समय जब मैं प्रोग्राम करता था उस समय भी जूम्ड 505 आता था और काफ़ी अच्छे अच्छे टोन मैंने उसमें बना रखे थे। उस समय कोई यूट्यूब नहीं था, वो टोन हम लोग खुद से बनाते थे, खुद से एक्सपेरिमेंट करते करते। इसलिए मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा आप खुद से दिमाग लगाओ और थोड़ा सा उसको छेड़ो, तब समझ में आएगा। याद रखो, ये जितने प्रोसेसर होते हैं ये कोई इंडियन कंपनी नहीं, ये जो टोन वहाँ जो ये बनता है फैक्ट्री में, ये अपने हिसाब से उस कंट्री को ध्यान में रखते हुए ये लोग टोन बनाते हैं। जब ये हम लोग लेते हैं, ये जब इंडिया में आता है, अब जैसे हम लोग जो कोरस गिटार बनाते हैं, वो कोरस गिटार, इंग्लैंड का कोरस गिटार का टोन और इंडिया का कोरस गिटार का टोन, ये अंतर हो जाएगा, ठीक है? अब आपको कोई कुछ भी बोलेगा, आप सोचोगे वो इंग्लैंड वाला वो कोरस गिटार का टोन जो था, वो जो बज रहा था वहां पे, यहाँ पे अगर मैं उसको बनाना चाहूँ तो वो सेम चीज जो है, वो उस सेम चीज टोन सेम होगा, बट वो जो आउटपुट है ना वो नहीं आएगा वो सेम। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब कोई भी प्रोसेसर जब हम लोग खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसके टोन को थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग करते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो ये बड़ा ही इजी प्रोसेस मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, कुछ नहीं है, आराम से आप समझ लीजिए। अब देखो, चले ये जूम की बात करते हैं। देखो लो, अब टोन बनाते हैं, ठीक है? अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना। अब स्टार्ट करता हूँ टोन बनाना, कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग चलो मानते हैं कि हम लोग एक ऑस्टिक गिटार का टोन बनाना है, ठीक है? तो चलो ये आपको अच्छे से देखने के लिए मैं क्या करूँ, इसको मैं एक मिनट, ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, हाँ दिख रहा है आपको, अब एक ऑस्टिक गिटार हमको बनाना है, एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना? अब सबसे पहले ये एक ऑस्टिक गिटार आया, अब कैसे आया ये भी देखो। देखो यहाँ स्टार्ट करो, यहाँ से देखो ये स्टार्ट होता है प्रोसेसर, 10 नंबर से स्टार्ट है, ठीक है ना? अब ये क्लिक करोगे, देखो ये बटन इसका क्लिक करोगे तो 10 से ये देखो 20 हो जाएगा सीधा, 30, 40, ये 50 MP, ठीक है? फिर ये 10 में आ जाओ, ठीक है? 10 में आ गए। अब क्या करना है आपको, एक ऑस्टिक गिटार का टोन बनाना है, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले आप ढूंढो इसमें ये पैडल है ना, इस बटन को, ये अप है ये डाउन, इस पैडल बटन को दबाओगे तो देखो एक ऑस्टिक आपको दिखेगा, देखो बढ़ाते जाओ, ठीक है? ये आ रहा ना, ये सारा आप एकदम आराम से हड़बड़ाना मत, एक एक करके, जैसे कोई कोई टोन काम का दिख जाता है उसमें तो वो आपके काम में वो आ जाएगा वो टोन, ये जाओ जाओ जाओ, ये देखो है ना, ये एक ऑस्टिक गिटार का ये टोन आ गया। अब क्या करना है, अब इस जगह पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार हम लोग बजा के चेक करेंगे, ये एक ऑस्टिक गिटार जो कंपनी से या मिला हुआ हम लोगों को। देखो ये एक ऑस्टिक गिटार है, अब आप समझ भी जाओगे आराम से। अब क्या करो, इसको सबसे पहले यहाँ आए, अब इसको एक बार
देखो इसको एक बार चेक करो गिटार में बजा के, ठीक है, इसको एक बार आपको चेक करना है गिटार में, ठीक है। गिटार दिख नहीं रहा होगा मेरा आपको, अब क्या करो इसमें जो चीजें चेंज करनी है उसके लिए क्या करना है, ये एडिट बटन है ना, इसको एक बार क्लिक करो। याद रखना ये कोरस गिटार का मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें किसी भी टोन बनाओ वो सारी चीजें इसी तरह से बनेंगी। ये क्लिक किया, अब यहां पे देखो यहां पे है एको एस आई एम जी प्लस ये ड्राइव पारा इको फॉल डिले, ये दिया हुआ है ये सारा चीज। अब आप क्या करो एकदम ध्यान से समझो, ये अगर ऐसे ऐसे बढ़ाओगे ना, ये देखो एक एक बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे बढ़ने के बाद अगर ये बटन दबा देते हो तो ये डाउन प्ले वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो एक एक करके सारे का एडिट करो टोन जो आपको जरूरत है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे इकोस्टेम, ये वन नंबर है, ये वन देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। आप क्या करो वन को एक बार क्लिक करो, ऑफ हो गया, फिर एक बार ऑन करो, एडिट में जाओ। अब यहाँ पे देखो ये सारा ये सारा जो दिया हुआ है ये सारा इस वॉल्यूम से कंट्रोल होगा। अब ये देखो इसको ऐसे करके गिटार को बजाना, अब देखो टॉप है ना, देखो 1 2 ये पड़ रहा है ना, ये देखो टोन भी चेंज होगा गिटार का। अब जैसे मेरे को 28 में ठीक लग रहा है, क्या बात है, इस तरह से आपको एडजस्ट करना है सारे का। अब बॉडी देखो जीरो है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं बॉडी 5 पे किया तो और जरा डाउन करो 2 पे। अब देखो हर बार क्या करना, किसी भी ऑप्शन के एडिट के साथ आप गिटार को बजा के चेक करना वो टोन कैसा आ रहा है। अब वॉल्यूम 47 है, अब इसको भी आप चाहोगे तो बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो उसी तरह से। फिर ये यहाँ एडजस्ट हो गया, फिर एडिट बटन दबाए बाहर आ गए, फिर इसको एडिट कर तुम दबाओ सेकंड वाला, देखो ये जो है ऑप्शन है इसको फिर क्लिक करो, ऑफ करो, फिर ये ऑन करो, फिर एडिट में जाओ, अब ये दिख जाएगा आपको ये सारा ऑप्शन इसमें। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें इससे आगे बढ़ोगे ना तो ये ऑप्शन इसको दिखाएगा कि आप ये ऑप्शन भी ले सकते, इसलिए इसको बैक में जाओ यहाँ पे आ जाओ। अब इसमें क्या है, इसमें भी फिर एडिट करना है तो इसको एक बार क्लिक ये ऑन किए, अब यहाँ पे एडिट करो, देखो ये बढ़ेगा उसी तरह से, ये सारा ये एडिट करने का ये दिया हुआ है, ये सारा एक एक करके आप ये सारे का वॉल्यूम एडजस्ट करो, बाहर आते चले जाओ, ये अपना आराम से ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। उसी तरह से आप कोई भी टोन बनाना चाहो कोरस गिटार, अब जैसे मान लो ये हेवन सेंट दिया हुआ है, अब देखो डिले ज्यादा है ना, एडिट मोड में जाओ, ठीक है, ये पैडल, अब मान लो ये टोन मेरे को पसंद नहीं है, इसको ऑफ कर दिया यहां से, ठीक है, ये भी ऑफ कर दिया, इसके बदले में ये है हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऑन किए, देखिए इसके ये ऑन हुआ, ये ऑन हुआ, अब यहां से एडिट किया, अब देख रहा है कि इसमें और क्या हम दे सकते हैं, तो रिवर्ब है पैडल से आप फिर आगे बढ़ो, ऑप्शन दिख जाएगा कर सकते हैं। तो जो आपको पर्टिकुलर वो सूट लगेगा उस जगह पे उसको छोड़ दो, फिर यहाँ से बैक में जाओ, फिर एडिट में जाओ, फिर ये सेकंड वाले ऑप्शन को ऑफ करो, ये ऑन करो, फिर यहाँ पे अगर ये समझ में आ रहा है, अगर मान लो इसका एडजस्ट करना है तो फिर इसको ऑफ करे, फिर ऑन करे, फिर एडिट मोड में गए, ये सारा फिर उसी तरह से एडजस्ट कर लिए। तो एक बार क्या है कि जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी ये मतलब ये मेजर इशू नहीं है कि इसमें आपको मतलब बहुत सारा ये प्रॉब्लम होना है या ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी दिक्कत इसमें
नहीं है सिर्फ, लेकिन हाँ आपको खुद से एक बार इसको करना पड़ेगा, पहला बात। दूसरे नंबर ये देखो लूपर है, क्लिक करो लूपर, ठीक है। अब लूपर को प्ले करना है तो इसको देखो ये यहाँ है ना, इसको एक बार ऐसे दबाओ तो यहाँ पे कोई भी कॉर्ड लगा, देखो रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे, ठीक है। कुछ भी बजा के आप लूपर में डाल सकते हो, ये सारा ये रिकॉर्ड हो गया। देखो ये लूपर ये कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया ना, अब ये बचेगा प्ले, ये हो गया। अब इसको यहां से स्टॉप करो, इसी बटन को एक बार दबा के रखो, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं दिखा देता हूं आपको, देखो ये रिदम है ना, इसको क्लिक करोगे रिदम आएगा। अब प्ले देखो यहां से ऑप्शन करो, प्ले हो रहा है, ये वॉल्यूम यहां से कम करो इसका। अब देखो बीएमपी जो लिखा हुआ है ना, बीएमपी ये टेम्पो है, 92, इसको बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, पैटर्न कोई भी चेंज कर, ये पैटर्न हो गया, इसमें कोई भी पैटर्न आप डाल सकते हो। काउंट, काउंट हमेशा ऑन रखना, क्योंकि जब ये बज रहा है ना आप लूपर ऑन किया, ठीक है। अब देखो स्टॉप करो, ये स्टॉप हो जाएगा, फिर एक बार दबाओ इसको, ये क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ अब देखो ये जितने भी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें मतलब ऐसी नहीं है कि बिना आपके एक्सपेरिमेंट के आप सीख सकोगे, याद रखना नहीं होगा, आपको एक्सपेरिमेंट खुद से करना ही पड़ेगा तब जाके आप सीख सकोगे। वैसे जो जितनी जरूरत की चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब मान लो बैंजो का टोन बनाना है या कोरस गिटार का टोन बनाना है, आप उसी तरह से ढूंढो, फिर एडिट में जाओ, फिर उसी तरह के ऑप्शन को देखो, करो आराम से होगा, ठीक है। अब इसके बाद भी मान लो कि कोई बहुत बड़ा मेजर इशू ऐसा हो जाता है कि सर नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में आप लिखना कि कहाँ पे फंस रहे हो, किस जगह पे अटक रहे हो, तो मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि देखो ये प्रोसेसर का वीडियो क्या है कि जो जितना दिमाग का तेज होता है उसका वो टोन उतना सुंदर बनता है, याद रखना। जैसे कि मेरे पास प्रोसेसर का टोन बनाने के लिए बहुत बाहर बाहर से लोग आते थे, काफी प्रोसेसर में यूज किया हुआ हूं इसलिए मेरे को आइडिया है क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए। तो आप भी अपने दिमाग का यूज करो, थोड़ा सा करके देखो। हालांकि जितनी चीजें जरूरी थी वो तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो चलो टाटा।